हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल एक्स्ट्रा। और आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक ओवर के न्यूज़ के बारे में, जो कि वेंसडे को बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में एंड हुआ। जैसे कि मैं क्लब हिस्ट्री के बारे में बता दूं, जो क्लब सबसे ज़्यादा आज तक किसी बीड में गया है, तो वो है एनएफएल का एक लीग है, एनएफएल्स लीग का एक क्लब है डेनवर ब्रोंकोस, जो कि 3.7 बिलियन में ही वो बिक गया था, जो कि बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक क्लब है। बट देखा जाए तो हमारे जो ग्लेजर्स फैमिली है वो मांग रहे हैं 6 बिलियन, मिनिमम टू 6 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी फुटबॉल क्लब या किसी भी क्लब के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि 6 बिलियन मिले उनको, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखा जाए एक जो अमाउंट होता है, उनका वैल्यू होता है क्लब का, उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो इनके बीच ये वेंसडे को एक बहुत ही बड़ा और ड्रामेटिक एक आवर, 2 घंटे का आवर चला, और वो आवर ऐसा निकला कि मतलब मानो क्या हो रहा है यूनाइटेड में, पूरा मेस है। जैसे कि हम जानते हैं कि उनका ट्रांसफ़र जैसे चलता है एक मेस के चलते, वैसा ही चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैं बता दूँ क्या हुआ था वो 2 घंटे, 9 to 11 PM क्या हुआ था उस 2 घंटे में। तो होता ये यूँ है कि 9 PM डेडलाइन स्टार्ट होता है फॉर सेकेंड बिड, ठीक है। दोनों कौतरी इन्वेस्टर और सैर जिम रेडक्लिफ आते हैं दोनों इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और 9:10 में कौतरी बोलते हैं कि वो इम्प्रूव बिट लगाएंगे, डेट फ्री रिकॉर्ड बिट लगाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए। पर और दोनों सैर जिम रेडक्लिफ में वही दवा किया था कि उनका कोई न्यूज़ नहीं आया, कौतरी का आया कि 9:10 में वो उनको खरीदने वाले हैं। पर ये इतना स्ट्रेट नहीं था, कुछ अलग ही हुआ। 9:45 में एक न्यूज़ आती है, जो रेन ग्रुप है, जो फर्म हैंडलिंग द सेल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट डिडेंट रिसीव बिड्स फ्रॉम बोथ ऑफ द इन्वेस्टर्स, ना ही अपना सर जिम रेडक्लिफ और ना ही कौतरी। ये सुन के सब फैंस शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ, कौतर्स तो आ चुके थे इन्वेस्ट करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो नहीं हुआ। पर अभी वेट, अभी ऐसा कुछ, अभी फिर ख़त्म नहीं हुआ है, 2 घंटा चला ये, 9:45 हो गया। अब 10:25 में रेन ग्रुप में फिर से मैसेज किया कि दे हैव रिसीव्ड ए बिड फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टर्स। ये हुआ 10:25 में। 10:35 में एक फिर से होता है कि ग्लेजर्स डू नॉट वांट टू सेल, जैसे कि हमेशा चल रहा है ग्लेजर्स डू नॉट वांट टू सेल। तो ये एक साजिश भी हो सकता है कि मुझे और बिट बढ़ाना है। तो 10:35 में होता है ग्लेजर्स डू नॉट वांट टू सेल। नाउ 10:45 में क्या होता है, कौतरी सेड दे डिड नॉट सबमिट एनी बिट बिकॉज दे वेयर ऑफर्ड एन एक्सटेंशन। वो ऑफर करते हैं एक्सटेंशन को, कि जो उन्हें एक्सटेंशन मिला इसलिए उन्होंने कोई बिट नहीं एक्सटेंड किया। बट 5 मिनट के बाद ही सोर्सेज इन्वॉल्व बताते हैं कि शेक जस्मिन बिड इज रेडी टू गो एंड ही नॉट नीड एक्स्ट्रा टाइम। तो ऐसा पूरे दिन, ये 2 घंटे पूरे चला, जिससे कि फैंस भी कन्फ्यूज हो गए, सारे न्यूज़ चैनल भी, स्काई स्पोर्ट्स भी सारा न्यूज़ उसे कवर कर ही रहे थे, उसे पता नहीं चला क्या हुआ। तो अब ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि थर्सडे नहीं तो फ्राइडे को फिर से एक बिड होने वाला है और वो फाइनल बिड होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि शेख जैसीन जो है कौतरी इन्वेस्टर, वो कॉन्फिडेंट है 6 बिलियन को ऑफर करने को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए। और वो ये भी बोले हैं कि वो डेट फ्री बढ़ा देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, करेंटर के फैसिलिटी को बढ़ाएंगे और एक न्यू स्टैंड भी बनाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुटबॉल न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।